हेलो दोस्तों, पिडिलाइट के बारे में बात करेंगे। मई 18 को रिजल्ट्स आने वाले हैं और डिविडेंड भी पिडिलाइट की तरफ से डिक्लेयर होगा। बिजनेस एनालिसिस दोस्तों इस वीडियो में करेंगे, जो इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में हम समझेंगे, डिटेल एनालिसिस समझेंगे। शेयर प्राइस के बारे में पहले नजर डाल दें, 2018 में अभी शेयर प्राइस आपको देखने को मिलेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये एक कंपाउंडर स्टॉक रहा है, उसमें कोई दो राय नहीं है। आप देखिए 14 ईयर्स पहले मई 16 की ही बात मैं कर रहा हूं, शेयर प्राइस कुछ 72-73 के आसपास था और अभी आप शेयर प्राइस देखेंगे 30 टाइम्स, लगभग 30 गुना शेयर प्राइस बढ़ा हुआ है। एक कंसिस्टेंट कंपाउंडर के रूप में पिडिलाइट है लॉन्ग टर्म में और मार्केट ने भी इनको एक हाई वैल्यूएशन दिया हुआ है। पी रेशियो देख सकते हैं 85, इसको जस्ट मैं कहूं अगर हम जो बेंचमार्क इंडेक्स जो है, जो निफ्टी है उसके साथ कंपेयर करें, निफ्टी का खुद का 2021 का अभी फिलहाल पी रेशियो चल रहा है और यहां पर मार्केट भी इनको 4 टाइम्स पिडिलाइट को वैल्यूएशन देने के लिए बिल्कुल तैयार है, लेकिन क्या ये जस्टिफाई कर पाएगा इसके भी क्वेश्चंस आते हैं। 2022 की अगर हम बात करें तो शेयर प्राइस देखिए 355 पॉइंट नीचे है, 14% शेयर प्राइस नीचे हुआ है। सबसे पहले हम बात करते हैं पिडिलाइट के इंपॉर्टेंट ब्रांड्स के बारे में, जहां पर कुछ ब्रांड्स बिल्कुल घर घर के ब्रांड्स हैं, जैसे फेविकॉल है, फेविक्विक है, डॉक्टर फिक्सिट है। तो बिल्डिंग मटेरियल्स, बिल्डिंग घर के जो काम है उससे रिलेटेड ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स हैं, जो बिल्कुल एक तरीके से, जो उन्होंने एक तरीके से अपना एक रिस्पेक्ट किया हुआ है जो भी कस्टमर्स हैं उनके वहां। तो लॉन्ग टर्म में इन सब ब्रांड्स ने अपनी अपनी जगह में अच्छा परफॉर्म किया हुआ है। आप देख सकते हैं सेगमेंट कंपोजिशन लगभग 81% जो बिजनेस आ रहा है कंज्यूमर और बाजार प्रोडक्ट्स जो है वहां से आ रहा है, जैसे एडहेसिव्स है, सीलेंट्स हैं, सीलेंट्स में जैसे एमसील आ गया या फिर एडहेसिव में फेविकॉल आ गया, तो ये बहुत बड़ा उनका बिजनेस लाता है। फिर उसके अलावा इंडस्ट्रियल जो बिजनेस रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, जहां पर इंडस्ट्रियल रेजिन्स हो गए, इंडस्ट्रियल एडहेसिव्स हो गए, तो ये सब प्रोडक्ट्स हो गए। तो मैक्सिमम बिजनेस जो आता है अभी भी कहीं ना कहीं एमसील, फेविकॉल, डॉक्टर फिक्सिट वहीं से ही आ रहा है। अब रेवेन्यू और प्रॉफिट्स, और यहां पर आपको पता चलेगा कि क्यों शेयर प्राइस ने बहुत अच्छा रिटर्न नहीं दिया है। आप देखिए क्वार्टर थ्री, मतलब ये अक्टूबर से दिसंबर 2020 की बात कर रहे हैं, तब 1976 करोड़ का तब रेवेन्यू था और तब आप प्रॉफिट देखिए उसी समय में 409 करोड़ का हो गया, ठीक है, ये तीसरा। अब दूसरा पॉइंट यहां पर आप देखिए, जब आप यहां देख रहे हैं क्वार्टर थ्री FY22 अभी जो बिल्कुल खत्म हुआ है, तो आप देख सकते हैं रेवेन्यू बढ़ा है, 2422 करोड़ हो गया, 1976 करोड़ से 2422 करोड़ हो गया, लेकिन आप प्रॉफिट्स देखिए किस हिसाब से प्रॉफिट्स जो है नीचे गिर रहे हैं, 322 करोड़ हो गया। तो आपको बिल्कुल क्वेश्चन हो सकता है कि क्या बात है, रेवेन्यू बढ़ रहे हैं लेकिन प्रॉफिट क्यों कम हो गया और अच्छा खासा कम हो गया है। तो इसका बहुत बड़ा रीजन है जो रॉ मटेरियल है उसके प्राइस इंक्रीज हुए हैं, क्रूड के प्राइस इंक्रीज हुए हैं, बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स हैं क्रूड डेरिवेटिव्स हैं और इनका इंपैक्ट पड़ा है मार्जिन्स पर। तो रॉ मटेरियल्स का प्राइस या क्रूड का प्राइस इंक्रीज होना बिल्कुल पिडिलाइट के बिजनेस के लिए कहीं ना कहीं नेगेटिवली इंपैक्ट होता है। अब पिडिलाइट उसके लिए क्या कर सकती है, ज्यादा से ज्यादा थोड़ा कॉस्ट जो है, प्राइस जो है वो बढ़ा दे, लेकिन बहुत एक लहद से ज्यादा बढ़ाया भी जा नहीं सकता है, या फिर वो कॉस्ट सेविंग करे, तो वो कोशिश कर ही रहे हैं, लेकिन डिमांड कंडीशन को भी देखना है। अगर बहुत ज्यादा ये सब करने लगे तो फिर डिमांड भी कम हो जाए, अगर बहुत ज्यादा प्राइस भी इंक्रीज होने लगे, तो इसीलिए डिमांड भी देखना है। अभी आरबीआई ने भी बहुत रिसेंट में जो है रेट्स बढ़ाने भी शुरू किए हैं, तो ये भी देखना होगा कि भविष्य में डिमांड कैसी रह सकती है। तो फिलहाल एटलीस्ट शॉर्ट टर्म में बिल्कुल देखना रहेगा कि जो आउटलुक है वो किस हिसाब से बदला है क्वार्टर थ्री से क्वार्टर फोर में, बट फिलहाल बिजनेस प्रेशर में लग रहा है और एक मीनिंगफुल करेक्शन है, लेकिन अच्छे बिजनेस में मीनिंगफुल करेक्शन आता है तो शायद अपॉर्चुनिटी भी होती है दोस्तों, तो वो भी ध्यान में रखना है। FY21 में प्रॉफिट्स 1081 करोड़ का था और अभी तक 9 महीने अप्रैल से दिसंबर 2021 950 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। रिजल्ट से फर्दर आइडिया आएंगे, वैल्यूएशंस के बारे में हमने डिस्कस करते हैं जल्दी से हम लोग यहां पर, कि अभी फिलहाल 85% का 85 टाइम्स का इनका आप देख सकते हैं वैल्यूएशन है। डिविडेंड यील्ड भी अगर आप देखेंगे 0.4 की अभी आपको डिविडेंड यील्ड आपको देखने को मिल रही है अगर आप देख रहे हैं इनको। ओवरऑल अगर आप देखेंगे रेवेन्यू, और जो रेवेन्यू तो बढ़ रहा है लेकिन इनकम जो है कहीं ना कहीं
बढ़ नहीं रही है जब हम पिडिलाइट की बात कर रहे हैं दोस्तों। उम्मीद है दोस्तों छोटे से वीडियो में आपको वैल्यू मिली होगी आपके समय के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।